हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्री टॉपिक्स करेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ ग्राउंड टर्म्स फॉर D1 टू D10 मेटल आयन और जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। डिटरमिनेशन ऑफ ग्राउंड टर्म्स फॉर D1 टू D2 मेटल आयंस। ठीक है, D1 टू D2 आज हम ग्राउंड टर्म सिंबल निकालना जानेंगे कैसे निकालते हैं। जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स दैट इज लोवेस्ट एनर्जी जो स्टेट्स होते हैं उनको हम हंट्स रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉर ए गिवन कॉन्फिगरेशन द ग्राउंड स्टेट टर्म इज दैट विच हैज हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लीसिटी। जिसकी हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लीसिटी होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म लेंगे। हम ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे लेते हैं? ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वहां पे मिनिमम रिपल्सन होगी, हाई एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो उसे हम ग्राउंड स्टेट टर्म लेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए सेकंड पॉइंट पे भी लिख रखा है, थर्ड पॉइंट पे भी। ये रूल्स हैं जो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स को लेने के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम टर्म सिंबल निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, एजीमिथल क्वांटम नंबर हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था कि आपको पता ही होगा कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। क्वांटम नंबर चार होते हैं हमारे पास, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो एल की वैल्यू देखिए, एजीमिथल क्वांटम की वैल्यू अगर जीरो हो तो कॉन्फिग्रेशन एस होती है, एल की वैल्यू अगर वन हो तो कॉन्फिग्रेशन पी होती है, एल की वैल्यू अगर टू हो तो डी होती है, थ्री हो तो एफ होती है, फोर होती है तो जी होती है। ठीक है, अब अगर हम G1 के लिए निकाल रहे हैं अभी, ठीक है, D1 के लिए निकाल रहे हैं तो डी ऑर्बिटल में जब फिलअप करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा और हमें पता है एल की वैल्यू क्या होती है, प्लस टू, प्लस वन, जीरो, माइनस वन, माइनस टू, यही होता है। क्लॉकवाइज हमारे पास प्लस वैल्यूज रहती है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस में रहती है वैल्यूज। ठीक है, तो L की वैल्यू 2, यहां से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो 2 के अंदर है तो 2 होगी, 2 के लिए कॉन्फिगरेशन D होती है, 2 के लिए कॉन्फिगरेशन D होती है। S की वैल्यू प्लस हाफ है, क्यों है? क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है कि क्लॉकवाइज जब हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो माइनस हाफ लेते हैं, यही लेते होते हैं। और अगर ये हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते तो इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता और ये जीरो होती। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लीसिटी निकालेंगे तो 2s+1, s की स्पिन मल्टीप्लीसिटी निकालने के लिए हम 2s+1 फॉर्मूला यूज करते हैं, ये स्पिन मल्टीप्लीसिटी होता है। ठीक है, 2s+1, s की वैल्यू प्लस हाफ है, पुट अप करेंगे तो 2 × 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 + 1 = 2, तो स्पिन मल्टीप्लीसिटी आ गई 2। जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, l + s, l + s - 1, ऐसे ऐसे निकालते होते हैं। लेकिन अगर लेस देन हाफ फिल्ड हो, ठीक है, हाफ फिल्ड नहीं हुए अभी तक, ये D1 ही है तो लेस देन हाफ फिल्ड है तो हम l - 1 लेंगे। जे की वैल्यू कैसे निकालते होते हैं, l - s। ठीक है, तो l क्या है, अभी देखा हमने 2 है, s क्या है, प्लस हाफ है तो माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस है, माइनस में ऐसे तो 2 - 1/2 = 3/2। टर्म सिंबल कैसे लिखते हैं, 2s l j। ठीक है, 2s+1 क्या था हमारे पास, 2 था, L की वैल्यू क्या थी, 2 थी, D कॉन्फिग्रेशन, और J की वैल्यू अभी निकालेंगे 3/2। तो यहाँ पे पुट अप करेंगे, 2s+1 की जगह 3 पुट कर दीजिए, L की वैल्यू क्या थी, D कॉन्फिग्रेशन निकली है तो D, और J की वैल्यू 3/2। ये हमारे पास क्या हुई, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D1 कॉन्फिग्रेशन के लिए। नेक्स्ट अगर D2 कॉन्फिगरेशन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, +1 + 2 + 1 = -1 - 2, L की वैल्यू क्या हुई, 2 + 1 = 3, कॉन्फिगरेशन क्या होगी, F होगी। S देखें तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस स्पिन के लिए क्या होगी, प्लस हाफ, इस स्पिन के लिए क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ, तो +1 + 1 = 2। स्पिन मल्टीप्लीसिटी क्या होगी, 1 है, 2 × 1 + 1 = 3। J की वैल्यू लेस देन हाफ फील्ड है, l - s लेंगे, L की वैल्यू अभी निकाली है 3, S की वैल्यू अभी निकाली है 1 = 2। ग्राउंड स्टेट टर्म देखेंगे तो वो क्या होगी हमारे पास, D2 के लिए 3f2, यही है 2s+1। स्पिन मल्टीप्लीसिटी यहाँ पे F क्या है, L की कॉन्फिगरेशन, जो L से देखिए हमने L की वैल्यू 3 आई थी, F कॉन्फिगरेशन, और J की वैल्यू 2। D3 कॉन्फिगरेशन के लिए भी सेम हम निकालेंगे, +2 + 1 = -1 - 2, 3 पुटअप कर दिए, L की वैल्यू क्या होगी, +2 + 1 = 3। S कॉन्फिगरेशन देखेंगे, S निकालेंगे तो वो क्या होगा, +1 इसके लिए,
प्लस हाफ इसके लिए, प्लस हाफ इसके लिए, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, थ्री बाय में टू, स्पिन मल्टीप्लीसिटी निकालेंगे, थ्री बाय टू पुट कर देंगे, एस की जगह फोर आ गया, जे इक्वल्स टू एल माइनस एस, लेस देन हाफ फिल्ड है अभी तक, ट्रम्प सिंबल हमारे पास बन गया फोर एफ थ्री बाय में टू। डी फोर के लिए निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा प्लस टू प्लस वन जीरो, इसकी क्या आ गई माइनस वन, तो एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है। एस की वैल्यू टू निकल जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइव आ गई, जे की वैल्यू एल माइनस एस जीरो आ गई, तो ये कन्फिग्रेशन क्या होगी, टर्म सिंबल क्या हो गया फाइव टी जीरो। डी फाइव के लिए एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया हाफ फील्ड, हाफ फील्ड के लिए जे की वैल्यू एल प्लस एस होती है, बाकी चीजें सेम चलती रहेगी, ठीक है। टर्म सिंबल क्या आ गया सिक्स सी एस फाइव बाय टू। अब ये क्या हो गया डी सिक्स, डी सिक्स हमारे पास मोर देन हाफ फील्ड आ गया, यहाँ पे भी जे की वैल्यू क्या रहेगी एल प्लस एस, यहाँ पे टर्म सिंबल ही आ जाएगा, ठीक है। डी सेवन भी क्या है, डी सेवन भी हमारे पास मोर देन हाफ फील्ड है, तो प्लस टू प्लस वन जीरो, माइनस वन माइनस टू, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी इसकी जीरो हो जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जीरो जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखिए अभी बताया था कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है क्लॉकवाइज की वो प्लस हाफ होती है, एंटी क्लॉकवाइज की माइनस हाफ होती है, दोनों नेग्लेक्ट होकर जीरो हो जाती है, ठीक है। यही हुई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन क्या हो जाएगी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो, ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे जीरो जीरो क्यों किया है, ठीक है। इसकी क्या रहेगी हाफ, इसकी क्या रहेगी हाफ, और इसकी क्या रहेगी हाफ, और ये हो गई थ्री बाई टू, टू एस प्लस वन निकाल लिया, जी की वैल्यू एल प्लस एस से निकालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्म सिंबल क्या आ गया फोर एफ एन बाय में नाइन बाय में टू। नाइन जो डी एट है उसके लिए भी सेम ऐसे ही निकलेगी कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल डी नाइन के लिए भी निकाल लेंगे हम। डी टेन के लिए हमारे पास एल प्लस एस ही रहेगा, यहाँ पे स्पिन जो है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि सारे ही हमारे पास फिलअप हो गए, और ये एल की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए, तो ये क्या है कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे एल प्लस एस भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ स्पिन मल्टीप्लिसिटी वन रहेगी, वन एस जीरो। ये कम्प्लीट टेबल है जो आपको पीडीएफ नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी, देखिए कम्प्लीट है, जिसमें मैंने सभी जो जे वैल्यूज है उनको रखा है, मल्टीप्लिसिटी पॉसिबल टर्म सिंबल्स जो है हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाले, लेकिन मैंने पॉसिबल भी आपको दिखाए हैं कि पॉसिबल टर्म सिंबल हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट टेबल है, इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट जो है वो जीमन ने 1902 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैनी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस है किसी भी एटम की वो स्प्लिट हो जाती है मोर देन वन लाइन जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। किसी भी एटम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम, उसके एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम को अगर मेजर करते हैं और उसको कंपेयर करवाते हैं स्पेक्ट्रम के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, तो यह पाया उन्होंने कि प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन है स्प्लिट हो जाती है नंबर ऑफ डिस्क्रीट लाइन के अंदर, और इसी फिनोमेनन को स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइन विद द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट हैज बीन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द रिमूवल ऑफ टीच एंड रिसीव ऑफ ऑर्बिटल हैविंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम ग्रेटर देन एन। जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ टीच एंड रिसीव ऑफ एन ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, द ट्रांजिशन फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री टू पी ऑर्बिटल प्रोड्यूसेज द सेम स्पेक्ट्रल लाइन इन द एब्सेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। Since all three 2p orbital produces the same spectral line in energy, कि transition जो transition है किसी भी three 2p orbitals की वो produce करती है same spectral lines जब absence of a magnetic field होता है, ठीक है। तो जो थ्री टू पी ऑर्बिटल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पेक्ट्रल लाइन इन एनर्जी, ठीक है, सेम स्पेक्ट्रल लाइन्स इन एनर्जी। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस डीजेनरेसी इज नो मोर प्रेजेंट, और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये डीजेनरेसी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल थ्री ट्रांजिशन वनस से टू पी वन, वनस टू पी जीरो, वनस टू पी माइनस वन, ये तीन हमारे पास ट्रांजिशन हो जाते हैं, जैसे कि फिगर में अभी फिगर दिखाएंगे आपको। तो एक्सपेरिमेंट फैक्टर फॉर स्टडी ऑफ जीमन इफेक्ट इज डिस्क्राइब बेलो, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट इंक्लूडिंग ए। अब एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था जीमन इफेक्ट का वो अभी डिस्क्राइब करने वाले हैं, और इसमें हमारे पास सेवरल कंपोनेंट इंक्लूडिंग, देखिए जब टूपी जो था वो अगर नो फील्ड, मतलब कोई भी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, तो उसमें हमारे पास दो स्पेक्ट्रम्स बन रहे थे, ठीक है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये थ्री
कंपोनेंट लाइंस के अंदर स्प्लिट होगी, प्लस वन जीरो माइनस वन, ठीक है। स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर कांस्टेंट डेविएशन स्पेक्ट्रोमीटर है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट विद प्लेट पीस लाइंग अलोंग ए कॉमन हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ए डीसी सोर्स है, नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास जिसे हम जेसलर ट्यूब भी बोलते हैं, एन इंट्रोडक्शन कॉयल कॉयल भी लगी हुई है, फॉब्री पैक्टेलॉन कॉर ए लैमर गैब्रिक इन द सेटअप, ए नियॉन गैस जिसको हम यूज कर रहे हैं एज ए सोर्स ब्राइट सोर्स के रूप में, सिंगलेट और ट्रैप ट्रिपलेट स्पेक्ट्रल लाइंस जैसे कि येलो और रेड स्पेक्ट्रल लेजन, ग्लोइंग डिस्चार्ज ट्यूब लाइंस वर्टिकली बिटवीन द पोल पीस ऑफ सफिशियंटली स्ट्रांग मैग्नेट, ये सब हेल्प करेंगे ऑब्जर्व करने के लिए कंपोनेंट्स को, सिंगल सिंगलेट लाइन जिन्हें ऑफ नॉन वेवलेंथ, ठीक है, सिंगलेट लाइन को ऑब्जर्व करने के लिए ये कंपोनेंट्स हेल्प करेंगे। आफ्टर दिस नॉर्मल जिमन इफेक्ट स्प्लिटिंग टेक प्लेस एंड इट शुड बी नोटेड दैट ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम में देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन डिस्चार्ज ट्यूब लगी हुई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ये कंडेंसिंग लेंस है, ये कॉलिमेटिंग लेंस है, फैब्री रेट्रोट इटेलन है, कॉन्स्टेंट डेविएशन प्रिज्म लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके बिल्कुल सामने कैमरा लेंस लगा हुआ है जिससे हम सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जिमन सेटअप एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट तो सारा सेटअप लगा हुआ है इस तरह, जैसे ही यहाँ से डिस्चार्ज ट्यूब से हमारे पास लाइट आएगी वो इस लेंस से जाएगी और बाद में इस लेंस से, और ये डेविएट होगी प्रिज्म से, और यहाँ पे हमें कैमरा लेंस पे जो इफेक्ट्स है, स्पेक्ट्रम्स है, स्प्लिटिंग लाइन्स है वो ऑब्जर्व होगी। एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्विंग जीमन इफेक्ट, हमने क्या है स्टेबलाइज किया कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड ए स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू ट्रिपलेट एंड दिस मैग्नेटो ऑप्टिक फिनोमिनॉन इज कॉल्ड नॉर्मल जीमन इफेक्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मल जीमन इफेक्ट। हमारे पास दो इफेक्ट्स होते हैं, नॉर्मल और अनॉर्मलस जीमन इफेक्ट, ठीक है। जो नॉर्मल होता है उसमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है और जो लाइन्स है स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट हो जाती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड द स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर एंड दस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड अनॉर्मलस जीमन इफेक्ट। कि ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन्स हैं वो स्प्लिट हो जाती है कॉम्प्लेक्स मैनर के अंदर, जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट होता है वो जनरली अक्कर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो अनॉर्मलस होता है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो जो नॉर्मल वन है वो तो रेयर फिनोमिना हो गया और अनॉर्मलस है वो फ्रिक्वेंटली फिनोमिना हो गया। इट अपियर दैट द नॉर्मल इज ए स्ट्रांग फील्ड इफेक्ट एंड द अनॉर्मलस इज ए वीक फील्ड इफेक्ट। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल है वो स्ट्रांग फील्ड इफेक्ट है और अनोमलस है वो वीक फील्ड इफेक्ट है। जो जीमन इफेक्ट है, जीमन इफेक्ट कैन गिव वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ एन एटम इन द फर्स्ट प्लेस एंड द नंबर ऑफ लाइन्स इन टू विच ईच ट्रांजिशन बिकम स्प्लिट। कि जो जीमन इफेक्ट है वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ एटम्स की फर्स्ट प्लेस पे एंड द नंबर ऑफ लाइन्स इनटू ईच ट्रांजिशन बिकम स्प्लिट। ठीक है, अंडरगोइंग ट्रांजिशन जीमन इफेक्ट डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ एन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रांग फील्ड। अगर हम ट्रांजिशन के अंदर जाए तो वहां पे स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइन्स की, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रांग फील्ड होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, जो स्टार्क है उन्होंने 1913 के अंदर जे स्टार्क ने स्टार्क इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया स्प्लिटिंग ऑफ एवरी लाइन ऑफ द सिस्टम ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन व्हेन प्लेस्ड इन ए स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10^15 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, जो स्प्लिटिंग अप टू स्पेक्ट्रल लाइंस अप टू इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की इनटू कंपोनेंट लाइंस विद द एक्शन ऑफ बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर 17 ईयर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ जीमन इफेक्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए डिस्चार्ज ट्यूब इज वेरी डिफिकल्ट। जब जीमन ने डिस्चार्ज ट्यूब्स को देखा
कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो लाइंस हैं स्पेक्ट्रल लाइंस वो स्प्लिट हो जाती है कंपोनेंट लाइन के अंदर, ठीक है। तो 17 साल बाद डिस्कवरी ऑफ चीमन इफेक्ट के बाद स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टार्क दैट एवरी लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एम प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^15 वोल्ट स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ पोलराइज कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट हो जाती है। वी कैन से दैट स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व व्हेन द रेडिएटिंग एटम्स आर सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बोल सकते हैं जैसे चीमन इफेक्ट की स्प्लिटिंग कहाँ पे होती है, स्पेक्ट्रल लाइन्स की जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्टार्क इफेक्ट में जब इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन्स की। जे स्टार्क जर्मन फिजिस्ट थे, इनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1919 के लिए फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्टार्क इफेक्ट। मेन फीचर्स क्या है स्टार्क इफेक्ट के, एवरी लाइन स्प्लिट इंटू सेवरल कंपोनेंट लाइन्स, द नंबर ऑफ स्टार्क लाइन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन सीरीज नंबर ऑफ पेरेंट लाइन्स। कि हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइन्स स्पेक्टर जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो कंपोनेंट लाइन्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, नंबर ऑफ स्टार्क लाइन्स इंक्रीज हो जाती है जैसे ही हम पेरेंट लाइन की सीरीज को इंक्रीज कर देते हैं। द एच बीटा लाइन शोज मोर स्टार्क लाइन्स देन एच अल्फा, एच जो बीटा लाइन्स है वो ज्यादा स्टार्क लाइन्स देंगी देन एच अल्फा लाइन्स और एच गामा लाइन्स। एच जो गामा लाइन्स है वो ज्यादा होंगी, ज्यादा स्टार्क लाइन्स देंगी देन एच बीटा लाइन्स। दस ऑर्डर क्या हो गया, एच अल्फा लाइन्स इज लेस देन एच बीटा लाइन्स एंड एच जो अल्फा लाइन्स है उससे लेस देन है एच बीटा लाइन्स। व्हेन व्यूड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा कंपोनेंट्स आर अनपोलराइज्ड एंड पाई कंपोनेंट्स आर एब्सेंट। जब हम पैरेलली देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के तो जो सिग्मा कंपोनेंट्स होते हैं वो अनपोलराइज्ड रहते हैं और पाई कंपोनेंट्स एब्सेंट रहते हैं। जब परपेंडिकुलरली देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तो जो दोनों ही कंपोनेंट्स है वो लीनियरली पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है। और कंपोनेंट लाइन सिमेट्रिकली होती है ऑन द बोथ साइड ऑफ ओरिजिनल लाइन। यहाँ पे ओरिजिनल जैसे ओरिजिनल लाइन के जो दोनों तरफ सिग्मा लाइन्स और पाई कंपोनेंट लाइन्स है ये दोनों ही इक्वल रहती हैं, ठीक है, बोथ साइड ऑफ ओरिजिनल लाइन। द वेव नंबर स्प्लिट द वेव नंबर स्विफ्ट आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सम सेम फॉर द हाइड्रोजन लाइन। जो वेव नंबर स्विफ्ट होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है यूनिटी जो कि प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सेम रहता है सारी हाइड्रोजन लाइन्स के लिए। इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय डेल्टा इक्वल्स टू ए ई प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी ई की क्यूब। इस तरह चलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ई है ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है। स्टार्क इफेक्ट के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। जो स्टार्क इफेक्ट, अगर हमारे पास जो स्टार्क स्प्लिटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं और इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनटू टेकिंग इनटू अकाउंट बाय फर्स्ट टर्म्स इन इक्वेशन 1 दैट इज डेल टी इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर जो स्टार्क इफेक्ट होता है वो प्रोपोर्शनल, जो स्टार्क स्प्लिटिंग है वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के तो वो सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट होता है। और ये इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं जब स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेटर देन हो 10^5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इन दिस स्पेक्ट्रल लाइन्स द स्प्लिटिंग इंटू इन दिस स्पेक्ट्रल लाइन्स आर स्प्लिटेड इंटू कंपोनेंट विच डू नॉट लाई अनसिमेट्रिकली अबाउट ओरिजिनल लाइन। देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, n=2, n=3, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2s^1/2, ये टर्म सिंबल्स हैं। और ये क्या है, जब नो फील्ड, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई नहीं कर रखा, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर हाइड्रोजन एटम। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।